गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आप आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 9:15 हो रहा है। मेरा रोज का काम हम खत्म करके नहा धो के पूजा कर लिए, नाश्ता भी बना चुके हैं। नाश्ता में आज कुंदरी आलू फ्राई और रोटी पराठा, ठीक है। सोमा नाश्ता कर रही है। सोमा कुंदरू आलू फ्राई पराठा खा रही है। प्याज लेगी? प्याज नहीं, हम केला लेकिन लिए हैं। सोमा केला नहीं खा रही है, बोले हैं आप लोग को, ठीक है। अभी बेटा का बर्थडे है आज, क्या बनता है देखिए, क्या बना पाते हैं उसको। तो चिकन भी खाना नहीं, मटन भी खाना नहीं, साधु महाराज को क्या बना के देते हैं देखते हैं। आज है भैया का बर्थडे, तो वो तो मटन खाता नहीं। मम्मी बोल रही थी चिकन ही लाएंगे, लेकिन वो बोला मटन, मम्मी को बोला, मम्मी बोल रही थी नहीं नहीं चिकन, उसको खाने मन नहीं है। सही, चिकन मटन तो खाता नहीं है, मटन सिर्फ हम लोग खाते हैं। पहले भी कुछ बचपन से ही मटन उतना पसंद नहीं करता है, चिकन ज़्यादा पसंद करता है, फिश खाता है, फिश में झींगा फिश ज़्यादा पसंद करता है। आज सुबह से बारिश गिर रहा है, अभी जाके थोड़ा थोड़ा आसमान साफ हुआ है, नहीं तो सुबह से बारिश गिर रहा था ना माँ। अभी मम्मी बिजी है खाना बनाने में, लेट भी हो गया है थोड़ा, हमेशा तो लेटे होता है हम लोग का। दिखाते हैं मम्मी क्या क्या कर रही है। चना दाल का सब्जी बनेगा और पुलाव बनेगा, इंडिया गेट बासमती राइस। इधर शिमला मिर्च और गाजर। पापा को भीम सलाने बोले तो बरबट्टी लेके आए पापा, एक बोलने से एक लाते मेरे पापा। मम्मी उसमें फिर अलग गुस्सा, क्योंकि एक वो तो कोई भी घुसाएगा, हम जैसे मेरे को मम्मी कुछ बोली, हम दुकान गए, एक बोले एक लाए, तो घुसाएगी जरूर मेरा ऊपर भी। तो बरबट्टी मेरा भैया नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं छोता है वो। और आज उसका बर्थडे, इधर मसाला का भी मम्मी रेडी उडी करके रख लिया, आज लेट हो गया लाने में। इधर प्याज, इधर सिंपल राइस बन रहा है, क्योंकि डॉगी लोग के लिए जो राइस खाना चाहता है सिंपल वो भी खा लेगा। और इधर क्या है माँ? इधर आलू भी फ्राई हो चुका है मटन के लिए, हम लोग आलू नहीं देने से नहीं होता है। इधर चावल भी बन चुका है, मार पसाड़ा जाएगा। इधर इसको अभी कुछ देर के लिए पानी में भिंगो के मम्मी रख दिए। मम्मी तो मटन तो खाते हैं मम्मी, ये भैया के लिए ना। अच्छा, भैया के लिए। और सुबह में तो बना था, मम्मी दिखा चुकी है। मम्मी अभी हड़बड़ा रही है, ऐसे सजवाते पावर बड़ी हम लोग का कट जाता है यहाँ आजकल, पहले नहीं ऐसा होता था, अभी बड़ी कटता है, इसलिए मसाला मम्मी जल्दी जल्दी पीस ले रही है। ये दोनों महारथी, एक यहाँ सोया है एक यहाँ सोया है, दोनों एक खाया नहीं है सुबह से, इसका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, दोपहर तक फिर ठीक हो जाएगा लंच तक। हम जा रहे हैं अपना काम करने। इधर मम्मी गाजर और शिमला मिर्च काट ली है, पावर चल गया, बोले ना मम्मी मसाला पीस लिए थे ना तब तक, आजकल पावर ठीक 12 बजे नहीं तो 11:30 बजे काट देते। इधर मम्मी चना दाल को भी उबाल ली है, इधर आलू तो फ्राई हो चुका था पहले से बोले, इधर मटन भी धो लिए मम्मी अच्छे से काट उठ के। बस अब मटन बनेगा और पुलाव बनेगा, अभी कुछ बना नहीं है, बस उबाली है मम्मी इसको, सब्जी बनेगा इसका। डोगी के लिए चावल? हाँ बस चावल बन गया डोगी लोग के लिए, बस गर्मी बहुत है, पावर कट गया। इतना गर्मी, इतना बारिश होने के बावजूद इतना गर्मी, मम्मी किचन में खाना नहीं बना पा रही, इतना अकबकी लग रहा है। बनाना तो लेकिन पड़ेगा ही, क्या करिएगा, 1:30, 2:30 जैसे बजेगा पेट बोलेगा खाना दो। आज भैया का बर्थडे है, 15 अगस्त को पापा का बर्थडे है, इंडिपेंडेंस डे का दिन, और मम्मी का 26 अक्टूबर, मेरा हम साल का लास्ट दिन पैदा हुआ है। अच्छा दिन है, वो भी खराब कोई दिन नहीं है। मेरा बर्थडे भी बहुत लेट है, गर्मी हवा तक थोड़ा नहीं चल रहा, इतना गर्मी, इतना बारिश होने का क्या जरूरत है, जब इतना गर्मी लगना ही है तो बारिश होने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, इतना गर्मी लग रहा है। मम्मी उधर क्या कर रही है दिखाते हैं। इधर चना दाल बनने का तैयारी कर रही है मम्मी। प्याज फ्राई हाफ हो गया है, मसाला पीस ली थी, क्यों लाइन आजकल भरोसा नहीं है लाइन का कुछ,
चना दाल तो उबल गया आप लोग को बोले, इसमें मम्मी तेज पत्ता ऐड की है खुशबू के लिए, स्वाद के लिए। प्याज अभी और थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसके बाद मसाला ऐड होगा। मसाला प्याज अच्छे से एकदम भुनना हो गया, उसके बाद मम्मी ऐड कर देगी चना दाल। देखिए कितना अच्छा कलर आया, रेड रेड लग रहा ही मटन है, लेकिन नहीं ये चना दाल है। गर्मी में मम्मी का हाल देखिए, बस बहुत गर्मी लग रहा है, मैं बोलती मेरे को बुखार बुखार लग रहा है। और जाइए छत साफ करने, दूसरा दिन बॉडी पेन करता है, मेरा तो ऐसे ही होता है, मेरा जिस दिन हम कुछ करते हैं ना उस दिन नहीं दर्द देगा, उसका दूसरा दिन ऐसा दर्द देगा तो लगेगा बुखार आ गया। चना दाल बनने में ज़्यादा लेट नहीं लगता ना माँ, बस उबाल लीजिए, मसाला प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा होने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ना, यही जो उसी से निकला होगा। अच्छा, पानी जो निकल बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे। चना दाल बन गया है, इधर मम्मी मटन का तैयारी कर रही है, अभी प्याज फ्राई हो रहा है, आलू फ्राई तो पहले ही दिखा चुके हो चुका है, इधर मटन मम्मी सीटी लगा ली, कितना सीटी लगाए माँ? तीन मटन भी उबल गया होगा। इधर मम्मी अभी राइस धो रही है, राइस भी इधर चढ़ा देगी। पावर अभी तक नहीं आया, पावर का इंतज़ार करते करते हम लोग बूढ़े हो जाएंगे लास्ट में। बहुत गर्मी, अभी फिलहाल तो धूप है बाहर, हल्का हल्का, उतना तेज नहीं, हल्का धूप है। चलिए कितना मौसम के बारे में आप लोग को भी बताए, रोज मम्मी बोलती है कटहल काटेगी कटहल काटेगी, काटने का टाइम ही नहीं मिल रहा ना माँ। कल देख, कल तो मंडे है, देखिए कल नहीं तो परसों काट देंगे, फिर मार्केट भी जाना पड़ेगा, रक्षाबंधन राखी हो खिलाना, उस दिन गए नहीं लाए, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाते, अभी जाने का मूड भी नहीं है। देखते हैं कल तो नहीं होगा, मंगलवार नहीं तो बुध, मंगलवार तो नहीं जाएंगे क्योंकि साक्षी मार्केट बंद रहता है, बुधवार को देखते हैं। ये देखिए आया है, घूम रहे हैं, बाहर जा रहा है आ रहा, बाहर जा रहा आ रहा, बनवास्टो। देखिए मटन उबल गया है, प्याज भी ब्राउन हो चुका है, मसाला पूरा भुन चुका है अच्छा से, इसमें अब मम्मी मटन और आलू ऐड करेगी। इधर पुलाव के लिए चावल मम्मी चढ़ा चुकी है, इसमें तेजपत्ता, किशमिश और छोटा दाना का इलायची डाली है, हाफ उबल जाएगा जब मम्मी निकाल देगी, और इधर मटन भी मम्मी डाल दी। देखिए कितना अच्छा कलर आया मसाला का, रेड रेड। आलू पहले से मैं फ्राई कर ली थी इसीलिए साथ में ही डाल दी, आलू उबल भी गया फ्राई होते होते ना हाँ। देखिए कितना कलर अच्छा आया है, अभी बना नहीं कलर अच्छा, इतना बन जाए कलर, इसको अभी मम्मी चारों तरफ निकल जा रहा, बोल रहा हम हो गए हो गए। मटन अभी बना नहीं है, मतलब और थोड़ा सा होगा, इतना ग्रेवी नहीं रखेंगे। देखिए कलर कितना प्यारा आया है, रेड रेड। नहीं मम्मी कश्मीरी मिर्चा का पाउडर नहीं देती, रेड चिली दी है पक्का है ना माँ, टमाटर डाले और रेड चिली से इतना कलर आया है, अब कश्मीरी कलर करने के लिए हम लोग सब कुछ नहीं देते। और इधर पुलाव के लिए चावल हो चुका है, इसमें देखिए इलायची का दाना डाली थी मम्मी और किशमिश, और इधर अभी ये गाजर है और कैप्सिकम है, इसको मम्मी फ्राई करेगी, काजू को भी फ्राई करेगी कटिंग कर लिए, उसके बाद जाके पुलाव रेडी होगा पूरा, अभी रेडी नहीं हुआ, अभी हाफ उबाल के रखिए बस, तब तक इधर मटन भी बन जाएगा। चावल मम्मी हाफ उबाल ली थी, उसको मम्मी अलग अलग बर्तन में निकाल के रख दी है ताकि एक दूसरे से चिपके ना, नहीं चिपकेगा, चिपकेगा नहीं, इसमें मम्मी हल्का रिफाइन तेल यूज किए जब उबाले हैं, अभी ये सब फ्राई होगा, अभी भी रिफाइन ऑयल यूज कर रहे हैं, सरसों तेल नहीं, काजू फ्राई करेगी मेरी मम्मी। काजू ब्राउन हो चुका है हल्का हल्का, और थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे इसको। गाजर और शिमला मिर्च को अच्छा से फ्राई कर लेंगे, पहले गाजर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ना माँ, मेरे को उतना पता नहीं इसलिए मम्मी से थोड़ा थोड़ा पूछ लेते बीच बीच में। मम्मी ना पक्का खाना बनाना आता है, मेरे को थोड़ी ना आता है।
हम अभी कच्चा है, काजू फ्राई हो चुका है। गाजर शिमला मिर्च अच्छा से फ्राई हो चुका है, उसमें काजू ऐड कर दिए। और चावल जब फ्राई उतरेगा तो गाजर शिमला मिर्च उस टाइम भी फ्राई होते ही रहेगा। देखिए ग्रीन और ऑरेंज ऑरेंज कितना अच्छा लग रहा है, उसमें वाइट। हम लोग का तिरंगा का कलर झंडा ब्लैक कितना प्यारा लग रहा है, खाने में जैसे टेस्टी देखने में से प्यारा लग रहा है। पुलाव बन के रेडी हो गया। और इधर मटन देखिए कलर मटन का एकदम रेड रेड। और इधर चना दाल का सब्जी बन के रेडी हो गया, ये भी इसका कलर भी मस्त आया है। सब बन के रेडी, पावर अभी तक नहीं आया। और सिंपल चावल भी बना है, डॉगी लोग के लिए लोग क्या खाएगा बेचारा लोग, खा सकता तो खाएगा। हाँ चलिए हम नहाने चले क्योंकि बहुत गर्मी है। ये लोग सोया है, ये उतावला हो जा रहा है। खा लेते हैं गर्मा गर्म पुलाव और मटन, टेस्टी तो बना होगा, देखने से टेस्टी लग ही रहा। अभी शाम का 5:20 हो रहा है, बहुत टाइम से बारिश हो रहा है, आप लोग को दिखा नहीं सक रहे क्योंकि बिजली भी चमक रहा था उस टाइम, पावर कट गया हम लोग का। बारिश हो ही रहा है, दिख रहा होगा मोबाइल में, हाँ दिख तो रहा है। हाँ बहुत ज़ोरदार कड़क रहा था, पूरा पानी हो गया अच्छा तरह से, हो गया क्या हो ही रहा है। उसके साथ साथ बिजली भी कड़क रहा था, अभी भी हल्का हल्का बादल गरजे रहा है, तो उस हिसाब से नहीं गरज रहा था जैसे हो रहा था, अभी थोड़ा कम है, लेकिन पानी गिर रहा है उससे ही बारिश। पता नहीं हम लोग का बरामदा पूरा भींगा है कि क्या, हवा उधर से दे रहा था, हम नहीं पहुंच सकते अब, आज नहाए हैं 2 बजे लेट हो गया। मम्मी नहाई 3 बजे, मम्मी का नहाते नहाते शायद 3:30-4 का वही हम सो गए थे। अभी थोड़ा देर पहले जागे क्योंकि इतना जोर से एक बार बिजली कड़का जो डर भी गए। यही हाल है अभी मौसम का, गर्मी तब पर भी लग रहा है, अभी नहीं लग रहा, सुबह बहुत गर्मी था, पावर नहीं था, पावर आ गया था 2 बजे, फिर अभी कटा है। अभी तो चलिए कटा है, कटना भी चाहिए बारिश में, लेकिन पता नहीं 11:30 बजे से क्यों कटा था पावर। बारिश अच्छा खासा बारिश हो रहा है, इतना अच्छा से दिख नहीं रहा लेकिन ऐसे में दिख रहा अच्छा से। आज न्यूज में देखा था पटना था तो पूरा बाढ़ आ गया है, गंगा नदी एकदम मतलब उफान पे है, हरियाणा तरफ भी सब तरफ निचला इलाका में बाढ़ आ गया। हम लोग का इधर ऊंचा है, हम लोग का इधर निचला इलाका सोनारी तरफ है ना, वहाँ मम्मी को हम उठा दे, मम्मी सो गई थी, हम बात कर रहे थे उस टाइम। बारिश आ रहा, पावर कट गया, नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो रहा, पावर कट जाने से पता नहीं क्यों नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है। और ऊपर से बारिश नहीं हो रहा था, अभी 3:30-4 बजे से मेरा काम तो खत्म हुआ 3:30 बजे, ठीक है। और अभी सोमा का उसी टाइम काम इतना है, उसी टाइम आया है मेसो से कुरियर, से कुरियर किए थे मेसो से कुरियर वाला आया, ठीक है। वही देखिए क्षमा के लिए मंगाए थे साड़ी, तिरंगा वाला साड़ी, ठीक है। देखिए ऐसा है कुछ अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, सुना खास नहीं लेकिन तिरंगा वाला साड़ी अच्छा, ठीक है। मतलब मम्मी साड़ी का क्वालिटी बताई, तिरंगा को अच्छा खराब कुछ नहीं बोली, क्वालिटी बोल रही मम्मी साड़ी का। तो मेरे लिए ठीक है, मम्मी बोल रही पतला है थोड़ा, थोड़ा सा मोटा होने से ठीक होता है, नहीं मेरे लिए डांस करने के लिए पतला साड़ी ठीक है, ज्यादा मोटा, हम तो मम्मी का मोटा पहन के डांस कर चुके हैं। पहली बार सोमा के लिए साड़ी मंगाए अलग से, हम बोले मम्मी आप भी पहन लीजिए, मम्मी बोलते नहीं हम क्यों पहनेंगे, वो झंडा फोड़ेगा हम झंडा फोड़ेंगे तो पहनेंगे, फोड़ेंगे मतलब फहराएंगे, मम्मी बोल रही है बंगाली में फोड़ेंगे बोलते ना, तो झंडा फाड़ेंगे फहराएंगे लहराए फहराए वही गलती से जो भी है, ठीक है। और ऊपर से साड़ी बहुत लंबा है, इसको ब्लाउज भी फैस है, अभी देंगे तो ब्लाउज करने के लिए आज 11 तारीख है,
12-13 3-4 दिन में कोई ब्लाउज बना के नहीं देगा, इसीलिए बाद में बना जाएगा। ब्लाउज है ग्रीन कलर का, ग्रीन भी है व्हाइट भी है, पहन लेगी। ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज ब्लाउज का नहीं है मेरे पास, ग्रीन है मम्मी का, ग्रीन है, ग्रीन पहन के नहीं तो व्हाइट पहन। मम्मी ठीक करके रख देगी, पर से नीचे ऐसा लग रहा ऑरेंज व्हाइट ग्रीन देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, ऐसे ठीक है, अच्छा लग रहा है। वही है ये है, उसके लिए मंगा लिए हैं, आज ही परेशानी का टाइम आके दे दिए, आज बहुत बिजी था। ये वाला कलर ठीक लग रहा है, ये वाला इसको ब्लाउज अभी बंद कर लेगा, झंडा लहरा लेगी और उसके बाद ब्लाउज पीस बनाने देंगे, ब्लाउज पीस बन के आएगा तब धो धा करके साफ करके पिकू फल सब करा देंगे, उसके बाद रख देंगे, वो जब मर्जी पहने ही करेंगे। कितना खर्चा साड़ी लाए, सिर्फ कितना लिया ये, सिर्फ 350, ज़्यादा दाम का नहीं है, ठीक है, ज़्यादा प्राइस का नहीं लिए क्योंकि एक दिन पहनेंगे, ज़रूरी नहीं, हम तो साड़ी नहीं पहनते हैं बस डांस करने के लिए साड़ी मंगवाए हैं हम। एक बार श्री सरस्वती पूजा में पहनने के लिए लहंगा मम्मी का एकदम ग्रीन कलर के एक पहनते हैं, शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, सिर्फ हम सरस्वती पूजा में पहनने के लिए ज़बरदस्ती मम्मी से खरीदवाए लहंगा पहनना, लहंगा पहनना ग्रीन कलर का, वो एक खरीदी थी अभी डांस करने के लिए, सिर्फ ये साड़ी मंगवाया हम, साड़ी उड़ी तो पहन के वाला तो ऐसे भी कहीं पहन के जा नहीं सकेंगे, झंडा वाला सारे कहीं नहीं पहन के जाते, झंडा उसमें झंडा का अपमान हो जाएगा नहीं तो, जिस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी हाँ ये सब है उस दिन पहन, इसी दिन पहना जाता ठीक है, इसीलिए मंगा लिया ठीक है, पहन अगले साल चुन्नी मंगा दी तो भी ऑनलाइन से मंगाए थे ना, नहीं मार्केट से लिया था, यहीं का से ना ना यहीं का मरिया का 5 तल्ला यहीं का मरिया से, हम लोग का जहाँ मार्केट है वहीं से ला दिए थे, भूल भी जाते हैं, वो भी है वो पहन के करेगी तो करेगी नहीं तो साड़ी तो पहनेगी ठीक है, अभी इतना बारिश अभी हो रहा, बाप रे बाप बारिश, बारिश बंद हो गया, धीरे धीरे गिर रहा, शाम से आप लोग से बात नहीं किए क्योंकि थोड़ा फिल्म देख रहे थे ठीक है, बहुत दिन के बाद देखो तमिल फिल्म बहुत अच्छा लगा, इसीलिए माँ बेटी बेटा तीनों देखने बैठ गए ठीक है, बेटा तो आधा आधा देख के सो गया लेकिन हम लोग माँ बेटी पूरा करें, वो भी कैसे करें पूरा, बंद कर दिए फिर डॉगी को खाना देने गए फिर आए फिर माँ बेटी डिनर किए, कल सोमवार है इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पलाव और मगे ये सब डिनर कर लिए, और बर्तन नहीं धोए पड़ा है, ज़्यादा बर्तन है कुछ बनाए नहीं ना इसीलिए ज़्यादा बर्तन नहीं है, बर्तन सब पड़ा हुआ है, बर्तन सुबह सुबह धोएंगे अंधेरा से, अभी रात को 12 बज रहा ठीक है, हम लोग देख रहे हैं फिल्म फिर देख रहे हैं, चक्कर लग गया हम लोग का फिल्म, माँ बेटी बहुत दिन से नहीं देखते थे ना इसीलिए देख रहे हैं, कल सोमवार है हम लोग को जल्दी जगना पड़ेगा, सो जाना है ठीक है, अभी सोमा का माथा में तेल देनी बोली, बोली मम्मी हम तो कल माथा धोएंगे इसलिए मेरा माथा पर तेल दे दीजिए, तेल देंगे फिर हम लोग निद्रा जाएंगे, शयन करेंगे, सोने जाएंगे ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, कल में ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग प्लीज़ मेरा ब्लॉग दिखा दीजिए, गुड नाइट बाय, खुश रहिए।